कुशीनगर एक लड़की की हत्या हुई थी कसिया थाना में, वहाँ हम घटना पे जानकारी हमारे माननीय विधायक रामानंद बाबू जी ने कल बैठक थी पूर्वांचल की प्रदेश की बैठक थी तो वहाँ इन्होंने दिया, तो हमने कहा कल सुबह हम वहाँ चलते हैं। अभी पिपराइच में एक हत्या हुई है तो वहाँ जाना है, और यहाँ माननीय विधायक जी के यहाँ ये हुआ कि सुबह हम लोग निकलेंगे तो यहाँ कम से कम हम लोग भोजन करते हुए निकलेंगे, यही उद्देश्य है। चुनाव अब नज़दीक लोकसभा होने वाले हैं, इसमें आपकी पार्टी द्वारा क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्या गठबंधन किसी पार्टी से होगा या अभी अटकलें ऐसे ही बनी रहेंगी? देखिए कुछ मीडिया में खबरें जो चल रही हैं कुछ तो सही है कुछ तो गलत है। हमने 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, हमको इन्होंने 18 सीटें हमको मिली, तो हम लोगों ने 18 लोकसभा सीटों में जीती, हर जगह 1,90,000 1,25,000 20,000 90,000 91,000 ऐसे वोट एक एक पार्लियामेंट में हमको करीब 18 पार्लियामेंट में हमको वोट मिला, और 14 पार्लियामेंट ऐसी है चाहे वो बनारस की हो चाहे लालगंज हो चाहे गोरखपुर हो चाहे देवरिया हो बांसगांव हो बलरामपुर हो, इस तरह 14 लोकसभा सीटों के समझौते में सीट न मिलने की वजह से हम अपनी ताकत का वहां प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जो सहयोगी दल हमारा था वहां हमने उसको पूरी ताकत दिया। मीडिया में खबर चल रही है कि 5-6 सीटों पर प्रभाव, कुशीनगर में हम लोग हैं 7 सीटें हैं, कोई सीट ऐसी नहीं है जहां 10,000 20,000 25,000 30,000 पोलिंग वोट पार्टी के पास है। तो एक चर्चा है, जब से हम लोग राजनीति में सक्रिय हुए तो पहले तो हम लोग उत्तर प्रदेश में खासतौर से पूर्वांचल हम लोग जो गुलाम हैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराने लगे कि उनमें शिक्षा के प्रति स्वास्थ्य के प्रति न्याय के प्रति और राजनीति से गठबंधन हो तो हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, ये खबर प्रदेश इकाई के तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं वो देते हैं, ये बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं जो उनकी कोर कमेटी। तो अभी तो इस तरह का ना अखिलेश जी से ना मायावती जी से ना नितिन ये आपके जेपी नड्डा जी से, हाँ इधर जरूर मायावती जी से बाई इलेक्शन हुआ जब लोकसभा का आजमगढ़ और रामपुर हमारी उनकी बात हुई थी, लोकसभा चुनाव में हमारी जो बाई इलेक्शन थी उसमें अखिलेश जी से भी बात हुई थी, उसके अलावा हमारी बात किसी नेता से नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, हमारे पास 6 विधायक हैं, 6 विधायकों का नेतृत्व हम करते हैं, विधायक दल का नेता होने के नाते जो समस्याएं होती है स्वास्थ्य संबंधी जो गरीब कमजोर भर्ती नहीं हो पाते हैं तो उनको भर्ती कराने के लिए हमारा संबंध ब्रजेश पाठक से बनाए रखते हैं, वो बसपा में थे तब भी हम साथ थे, वो भाजपा में आए जो गठबंधन में वो मिनिस्टर थे हम भी मिनिस्टर थे, अब हम विधायक हैं वो मंत्री हैं संबंध है, दयाशंकर जी बलिया के रहने वाले हैं उनसे हमारा संबंध बराबर रहता है, केशव मौर्या जी हैं उनसे भी संबंध रहता है, समय समय में मुख्यमंत्री जी से भी मिलता हूँ विभिन्न समस्याएं बोली थी, तो मिलने जुलने से सूत्र अपना यही खबर देते हैं। अच्छा मंत्री जी एक अंतिम सवाल, ये पहलवान धर जंतर मंतर पर बैठे हो रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए लोकतंत्र देश में है, कानून से देश चल रहा है, लेकिन गरीब अगर कोई गरीब के ऊपर कोई घटना हो जाए जैसे चर्चा है पास्को एक्ट की, तो हमको अंदाज है कि वो गरीब जेल में होगा, लेकिन वही कानून एक राजनेता के ऊपर सांसद और सत्ता का सांसद उसके ऊपर लगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हो, ये तो समझ लेना चाहिए सबको कि जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हो तो कितनी बड़ी मदद सरकार कर रही है उस व्यक्ति की, और नहीं तो खुलेआम जब
बेटियां कह रही हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करा लो, उनका भी करा लो, तो क्यों सरकार भाग रही है? वो कराना चाहिए, जब संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने व्यवस्था दिया है कि किसी चीज का खुलासा अगर नहीं हो रहा है तो तुम नार्को टेस्ट करा दो। इससे भी भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? घूम घूम के माला पहन रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अगर वहीं कहीं गरीब बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी का होता तो पुलिस दौड़ा के पकड़ के हमको गिरफ्तार कर देती, फाट चले। तो उनको गांव गांव हमने जगाने का प्रयास किया 14 साल। जब उनको भूख पैदा हुई कि नहीं अब हमको जरूरत है राजनीति की, तब मैं राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया और फिर समझौते बीजेपी से किया। उस गठबंधन में माननीय रामानंद बौद्ध जी रामकोला से विधायक हुए, 6 लोग हम लोग उसमें विधायक हुए, इस समय 8 लोग। 22 के चुनाव में भी बहुत प्रयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बसपा के साथ जा रहे हैं, भाजपा के अलग अलग, लेकिन समझौते समाजवादी पार्टी के साथ हमने करके चुनाव लड़ा। आगे 24 का जो चुनाव है, देखिए हमारी दिली इच्छा है, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी, कांग्रेस के नेता सोनिया जी और जदयू के नेता नीतीश जी और चंद्रशेखर रावण और सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर, एक साथ मिल करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी में। इस नाते कि शिक्षक भर्ती घोटाला आपने देखा कि मुख्यमंत्री समेत 3 बार इस मामले में मिला, स्वीकार किया कि नहीं घोटाले हुए हैं, अधिकारियों की गलती हुई है। हाई कोर्ट ने कहा भी कि इनका जो हिस्सा है वो दिया जाए, घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई पहल नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी स्वीकार किया था। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ कि 7 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी और 17 बार तारीख पड़ गई उसको, डेट बढ़ाते बढ़ाते कि 7 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। इस नाते जो पिछड़े दलित के ऊपर अल्पसंख्यक के साथ अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद पिछड़ों का लूट लिया गया, चाहे यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला हो, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसके जिम्मेदार सपा और बसपा दोनों पार्टियां। सर मंत्री जी, अभी कुछ अटकलों से आस लगाया जा रहा है कि आपकी अगले महीने भाजपा से मीटिंग भी होने वाली है, इस पर क्या कहेंगे? राजा को पता नहीं मुसार बन बाट होती है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभी सूत्र कौन सा है हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं। अभी तक इधर 1 साल के अंदर जिनसे गठबंधन होने हैं उस शीर्ष नेतृत्व करता है, दल का छोटा नेता नहीं करता, प्रदेश का जो नेतृत्व करता है वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचना देता है कि हमारे प्रदेश में फला पार्टी के पास एक जनाधार है, इनसे गठबंधन हो तो हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं।